बस मौका मिला था, फिर अपनी हिम्मत की, साथ में मेहनत की, बाकी किस्मत ने अपना साथ दिया। और जैसे जैसे लोग जुड़ते गए, अपने कहावत सुनी होगी कि लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया, तो आज इस पोजीशन पे पहुंच गए हम। We started in 2008 as Vishal Industries and our main customer is Crompton Greaves and around 90% of our business we are doing with Crompton Greaves. Crompton के साथ स्टार्ट किया था तो Crompton को हमारे पर एक विश्वास था और हमने उनका पूरा सपोर्ट किया और आज की तारीख में काफ़ी सेटिस्फाइड है वहाँ पे। इनिशियली हमने पाउडर कोटिंग स्टार्ट किया था Crompton Greaves के लिए, असेंबली स्टार्ट किया था। धीरे धीरे डिमांड बढ़ती गई Crompton Greaves की, तो उसके बाद हमने प्रेस कंपोनेंट स्टार्ट कर दिए थे और हम खुद कंपाउंड्स बना के पाउडर कोटिंग और असेंबली करके Crompton को देते थे, जिसमें बेसिकली सीलिंग फैन था। बाद में धीरे धीरे डिमांड बढ़ती गई, टेबल फैन भी हमने स्टार्ट किया, टेबल फैन वॉल माउंटिंग फैन आते हैं तो हमने स्टार्ट किया। उसके बाद हमने गार्ड्स बनाने के प्लांट हमने खुद डाल दिए यहाँ पे, जो हम बना रहे हैं यहाँ पे। जब नया बिजनेस शुरू करते हैं या बिजनेस ग्रो करते हैं तो उसके लिए अपना फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, मशीन्स चाहिए होती हैं, स्किल लेबर चाहिए होते हैं, पर यह है कि अभी मार्केट डायनेमिक है, मार्केट में रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हैं, इसलिए हमारे लिए भी ग्रोथ जरूरी है। जब हम एक्सपेंड कर रहे थे उसी टाइम Crompton ने हमको C2FO के बारे में बताया। C2FO का प्रोसेस समझने में थोड़ा टाइम लगा, पर C2FO की टीम ने काफ़ी सपोर्ट किया। उसके बाद आज की तारीख में समझ में आता है कि हम जैसे बिजनेसमैन के लिए C2FO की पेमेंट कितनी ज़रूरी है। राइट टाइम में अगर हाथ में पैसा आ जाता है तो हर जगह पे हमको फ़ायदा होता है। जैसे रॉ मटेरियल परचेज करना है वो टाइम पे रॉ मटेरियल मिलता है, प्रोडक्शन करना है, प्लानिंग करना है, आगे एक्सपेंशन करना है, आसानी से कर सकते हैं, डर नहीं लगता उसमें। अपने एक और यूनिट है जो लास्ट ईयर स्टार्ट की थी हमने, चलो वहाँ चलते हैं। अगर हम बैंक के पास लोन्स के लिए जाते हैं, काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन होता है उनका, काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, प्रोसेसिंग फी वगैरह होती है, तो इस केस में अपना क्या C2FO में फ़ायदा ये है कि हमको जब चाहिए पैसा यूज़ कर सकते हैं, हम ले सकते हैं और जितना बैंक से इंटरेस्ट होता है उतना इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता। सेकंडली क्या है कि जब जरूरत है तब लेते हैं, नहीं जरूरत है तो नहीं लेते हैं, तो उस केस में हमारा इंटरेस्ट बच जाता है उसमें, तो उस हिसाब से C2FO ज़्यादा बेटर है इंस्टेड कि हम बैंक से लोन लें। जैसे कि आपको मालूम है लास्ट ईयर लॉकडाउन हुआ था, उस टाइम हमारी भी यूनिट 2 महीने बंद रही, बस C2FO के सपोर्ट की वजह से हमको मेजर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई, क्योंकि जो भी सैलरीज देनी थी या इंस्टॉलमेंट्स थी और ओवरहेड्स थे हमारे, सब आराम से हमारे क्लियर हो गए थे। C2FO तो अब हमारे बिजनेस का हिस्सा बन चुका है। C2FO लगता है कि अपना ही कोई साथ में है, उसका कहीं नाम देखते हैं या कहीं नाम सुनते भी हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। हमें इस बात का हमेशा भरोसा रहता है कि पैसा आ जाएगा।